पॉपुलर टीवी शो सीआईडी के फ्रेडिक्स यानी एक्टर दिनेश फडणीस अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 57 वर्षीय एक्टर लीवर डैमेज से जूझ रहे थे और वेंटिलेटर पर थे। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण दिनेश को नहीं बचाया जा सका। टीवी के जाने माने एक्टर दिनेश फडणीस को लेकर दुखद खबर सामने आई है। सीआईडी फेम एक्टर का आज निधन हो गया है। दिनेश ने 57 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। सोनी टीवी के लोकप्रिय क्राइम शो सीआईडी में सीआईडी अधिकारी फ्रेडरिक्स का मशहूर किरदार निभाने वाले दिनेश फडणीस ने कांदीवली के तुंगा अस्पताल में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात 12:08 तक अंतिम सांस ली। 57 साल के दिनेश फडणीस का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते हुए निधन हो गया। सीआईडी में दया का किरदार निभाने वाले और दिनेश फडणीस के बेहद करीबी दोस्त दयानंद शेट्टी ने एबी न्यूज को बताया कि दिनेश लीवर, हार्ट और किडनी की समस्याओं से जूझ रहे थे और उनकी जटिलताएं दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। दिनेश फडणीस 30 नवंबर से कांदीवली के तुंगा अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत को देखते हुए एक्टर को वेंटिलेटर पर रखा गया था। बता दें कि कुछ ही देर में बोरीवली के दौलत नगर शमशान भूमि में दिनेश फडणीस का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मालूम हो कि टीवी शोज के अलावा उन्होंने फिल्मों में भी काम किया था। दिनेश फडणीस ने 1998 में सीआईडी के शुरुआत से ही शो के साथ ये जुड़ गए थे और सीआईडी के 2 दशक के सफर में वो हमेशा शो में दिखाई दिए। उन्होंने इस शो में 20 साल काम किया और अपने किरदार से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। दिनेश फडणीस का निधन 4 दिसंबर की रात 12:08 पर हुआ। उनके निधन से सीआईडी की पूरी टीम सदमे में है और परिवार का भी बुरा हाल है। दिनेश फडणीस की पत्नी शॉक में है। दिनेश फडणीस की पत्नी का नाम नैना फडणीस है। 20 नवंबर को ही दिनेश फडणीस की शादी की सालगिरह थी और वो अपनी पत्नी समेत पूरा परिवार बहुत खुश था। प्रार्थना कर रहा था कि एक्टर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तब किसने सोचा था कि वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के 15 दिन बाद ही दिनेश फडणीस घर परिवार को यूं रोता और बिलखता छोड़ जाएंगे। दिनेश फडणीस की बेटी का नाम तनु है और वह भी पापा की मौत से शॉक में है। बेटी की शादी हो चुकी है और उनकी भी एक बेटी है। दिनेश अक्सर ही अपनी नातिन के साथ तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते थे। उनके नातिन का नाम ध्रुवी है और दोनों का बर्थडे एक ही दिन 2 नवंबर को आता है। काम की बात करें तो दिनेश फडणीस को सीआईडी में निभाए फ्रेडरिक्स यानी फ्रेडी के किरदार ने घर घर में मशहूर कर दिया था। वो 1998 में इस शो से जुड़े थे और 2018 यानी 20 साल तक इसका हिस्सा रहे। सीआईडी में सिर्फ इन्होंने एक्टिंग नहीं की बल्कि इन्होंने इसके कुछ एपिसोड्स की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। इसके अलावा दिनेश फासले, आहट और CIF में भी हिस्सा बन चुके हैं। दिनेश फडणीस ने फिल्मों में काम किया था। उन्होंने बॉलीवुड में आमिर खान की फिल्म सरफरोश से डेब्यू किया और फिर ऋतिक रोशन की स्टारर फिल्म सुपर 30 में भी नजर आए थे। दिनेश फडणीस अपने पीछे 41 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके नेटवर्थ 41 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, आप अपने फेवरेट कलाकार के लिए कमेंट में RIP लिखना बिल्कुल ना भूलें।